नंबर में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया है समीकरण, 2ax प्लस का 3by इक्वल टू में a प्लस का 2b, और दूसरा समीकरण है 3ax प्लस का 2by इक्वल टू में 2a प्लस का b। यहाँ देखिए a1 है आपका 2a, b1 है आपका 3b, c1 है आपका a प्लस का 2b। चलिए यहाँ पे फिर उसके बाद देखते हैं, a2 है आपका 3a दूसरे वाले समीकरण में, b2 है आपका 2b और c2 है आपका 2a प्लस का b। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, चलिए तो देखते हैं ब्रज गुणन विधि से, x बटा में b1 c1 b2 c2, y बटा में c1 a1 c2 a2, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है बराबर के उस तरफ दिया है, इसलिए यहाँ पे -1/2 में a1 b1 और a2 b2। ठीक है, x बटा में देखिए यहाँ पर 3b a प्लस 2b, यहाँ पर देखिए 2b 2a प्लस b, फिर यहाँ देखिए y बटा में a प्लस 2b 2a, 2a प्लस b 3a, और यहाँ -1/2 में 2a 3b 3a 2b। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होता है, x y में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6ab प्लस का 3b2। ठीक है, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2ab और यहाँ माइनस का 4b2, वाई बाई में यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3a² प्लस का 6ab और फिर यहाँ माइनस का 4a² और प्लस का माइनस का 2ab। ठीक है, चलिए और इक्वल टू में यहाँ देखिए -1/2 में 4ab माइनस का 9ab। चलिए अब देखते हैं x बटा में देखिए क्या हो जाएगा, अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या होगा, ये दोनों घट जाएगा, प्लस का 4ab और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा आपका b²। y बटा में यहाँ पे भी देखिए, यहाँ देखिए आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी, तो 4ab माइनस का a² इक्वल टू में -1/2 में माइनस का 5ab, माइनस माइनस यहाँ से हटा देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए x बट्टा में यहाँ b कॉमन करेंगे, 4a माइनस b हो जाएगा, y बट्टा में यहाँ a कॉमन करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका, a कॉमन करेंगे तो 4b माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू में 1/2 में 5ab। अब चलिए अलग अलग यहाँ से कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है, x बटा b इंटू में 4a माइनस b इक्वल टू में 1/2 में 5ab, और यहाँ y बटा में a इंटू में 4b माइनस a इक्वल टू में 1/2 में 5ab। तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा b इंटू में 4a माइनस b 1/2 में 5ab, और यहाँ y बराबर में a इंटू में 4b माइनस का a 1/2 में 5ab। चलिए यहाँ देखिए b से b यहाँ कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, तो यहाँ x का मान आ जाएगा 4a माइनस का b 1/2 में 5a, और यहाँ y का मान आ जाएगा 4b माइनस a 1/2 में 5b। ये आपका आंसर हो जाएगा, x y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम।